अगली जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन यानी घर्षण। अब इसके सवाल को हम देखते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए फ्रिक्शन या घर्षण जो है ये होता क्या है, फ्रिक्शन या फिर घर्षण ये हमेशा दो सतहों के बीच होता है और दैनिक जीवन में घर्षण के बिना बहुत ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो संभव नहीं है, इसको आप जानते हैं। जैसे ज़मीन पर चलना ये भी घर्षण से ही है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो ग्लास वगैरह पकड़ना या अपनी हथेली से कुछ भी पकड़ना ये भी घर्षण से ही संभव है ना। तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने घर्षण से ही संभव हैं। सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। अब देखिए आप थोड़ा सा समझने की अगर कोशिश करूँ तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। ये NTPC में पूछा गया सवाल है। पहला देखिए समझिए, घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। बिल्कुल सही है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने या फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। ये भी सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट के कारण होता है। ये भी सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग में घर्षण कम होता है। ये गलत है क्योंकि मशीनों में बॉल बेयरिंग में घर्षण कम नहीं ज़्यादा होता है। तो ये गलत दिया गया है। तो डी आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझिए थोड़ा सा, रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण दोनों घर्षण बल के दो प्रकार हैं जो किसी सतह के साथ किसी वस्तु की गति का विरोध करते हैं। स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण में मुख्यतः अंतर यह है कि स्लाइडिंग में एक सतह दूसरी सतह के विरुद्ध रगड़ती है जबकि रोलिंग में एक वस्तु दूसरी सतह पर लुढ़कती है, जिसके फलस्वरूप रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। अब अगला सवाल ये समझिए, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा घर्षण। तो ब्रेक लगाने पर कार जो है ये घर्षण बल के कारण ही रुकती है। राइट आंसर होगा आपका घर्षण। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। ये बल ही घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित ना हो तो यह किसके कारण रुक जाएगा। अगर कोई एक गतिमान वस्तु है, जैसे आपने कोई एक बॉल लिया, उस बॉल को आपने किक किया, जब आपने बॉल को किक किया तो ये बॉल कुछ दूर जा कर के फिर ये धीरे धीरे जा कर के रुक गई। लेकिन अगर आपने इसे दोबारा किक कर दिया तो ये फिर रुकेगी नहीं, ये और आगे बढ़ के फिर रुकेगी। इसी तरीके से कहा गया है कि अगर आप किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित ना करें तो ये किसके कारण रुक जाती है, तो घर्षण के कारण। तो सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ लीजिए फिर सवाल वही है आपका, जब हम साइकिल चलाते हैं तो अचानक पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। जब हम साइकिल चलाते हैं हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो कहते हैं भाई साइकिल धीमी हो गई है, तो ये घर्षण के कारण ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह घर्षण बल के कारण रुक जाती है, क्योंकि यह घर्षण बल गति की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगला सवाल देखिए, सवाल कह रहा है RRBJEE इलेक्ट्रिकल में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना मुश्किल है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना मुश्किल है या फिर संभव नहीं है। एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ये मेरे भाई मुश्किल नहीं है, हम किसी दूसरे माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। कैरम खेलना ये भी गलत है। एक गिलास को पकड़ना ये सही है, क्योंकि आपकी हथेली और आपकी हथेली के साथ आपके ग्लास के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण ही आप ग्लास को पकड़ सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो घर्षण के अभाव में एक ग्लास को पकड़ना मुश्किल होता है। ग्लास की बाहरी परत के अत्यधिक चिकने होने या घर्षण के अभाव में पकड़ना कठिन होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि घर्षण जो है ये हमेशा दो सतहों के बीच होता है। तो दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है।
राइट आंसर जो होगा आपका ये होगा ऑप्शन ए, घर्षण होता है। अगला देखिए, घर्षण बल जो है ये किस तरीके से कार्य करता है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेनेशन में बताया कि घर्षण बल जो है ये हमेशा बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है, तो ये हमेशा विपरीत होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी आंसर, बल की दिशा के विपरीत, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, घर्षण बल गति करने वाली वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल के कारण ही हम किसी सतह पर चल सकते हैं। अगला देखिए, सवाल कह रहा है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, पीछे के पहिए पर घर्षण बल कैसा होगा, ये पश्चिम दिशा में होगा, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो घर्षण बल होता है ये एक मतलब बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो जो मतलब घर्षण होता है ये हमेशा विपरीत में होता है। तो मान लीजिए कि ये कोई एक साइकिल है, ये कोई एक साइकिल है, अब ये अगला पहिया है और ये पिछला पहिया है। तो ये पिछले पहिए पे हमसे पूछा गया है कि इसमें घर्षण बल कैसा होगा। तो मेरे प्यारे भाई, पीछे के पहिए पर घर्षण बल ये पीछे की दिशा में होगा, क्योंकि ये आगे की ओर खींच रहा है, तो घर्षण बल पीछे की ओर ही खींचेगा, तो पश्चिम दिशा में ही घर्षण बल होगा। सी आंसर राइट होगा। एक बार आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है जो गति वस्तुओं के बीच गति होने का विरोध करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल पश्चिम दिशा में ही होगा। घर्षण बल के मान का क्रम क्या है, तो ये ठोस से ठोस सतह में, द्रव से द्रव सतह में और ठोस से वायु सतह में इसका घर्षण बल का क्रम होता है। कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, कारों के ब्रेकिंग पैड में किसके गुण का उपयोग किया जाता है, तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा घर्षण के सकारात्मक प्रभाव। डी आंसर राइट होगा, घर्षण के सकारात्मक प्रभाव ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, घर्षण एक प्रकार का बल है जो दो वस्तुओं के मध्य सापेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन का विरोध करता है, और ये ठोस की सतह पर तरल पदार्थों की परतों के बीच और पदार्थ जो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं में पाया जाता है। कार या वाहनों की ब्रेकिंग पैड में घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है। अभी आपने पढ़ा कि घर्षण बल जो है ये हमेशा विपरीत में लगता है, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ये आपका नेगेटिव होगा यानी कि ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ऋणात्मक। ठीक है, देखिए समझिए, घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण के दो प्रकार हैं, एक स्थैतिक घर्षण और एक गतिज घर्षण। स्थैतिक घर्षण दो पिंडों के संपर्क पृष्ठ के समानांतर दिशा में लगता है, और गतिज घर्षण गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। अगला देखिए, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है ये ऋणात्मक होता है, तो ये हमेशा ही ऋणात्मक होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए समझिए, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो है ये मतलब ख़त्म नहीं होता है, लेकिन वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, अगली जो टॉपिक है आपकी वो है सरल आवर्त गति या फिर घूर्णन गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर रोटेशनल मोशन। ये जो टॉपिक है आपकी ये 15वीं टॉपिक है, इसके सवालों को देखते हैं। सवाल नंबर एक इसका है, किस बल द्वारा दाब प्रवृत्ता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। ये हो जाएगा आपका कोरियोलिस बल, सी आंसर राइट होगा। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे भाई एक मेरे दोस्त ने कमेंट्स किया
कि सर आप इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, अब अगर आप यही मतलब धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो मेरा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। मेरे भाई आपको इसकी चिंता नहीं करना है, साइंस की जीके की चिंता तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी तो आप चिंता करिए, है ना। बाकी वो भी करवाऊँगा, रीजनिंग मैथ वो भी आपका होगा, लेकिन साइंस जीके की गारंटी मैं लेता हूँ भाई। देखिए सवाल, कोरियोलिस बल द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। कोरियोलिस बल जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यह एक आभासी बल है। पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी के घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है, और इसी भिन्नता के कारण कोई भी गतिमान वस्तु जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान होती है उस पर यह बल कार्य करने लगता है, और इसी बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस विक्षेप को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था और इसे फेरल का नियम भी कहा गया। अगला सवाल है आपके सामने कि पेंडुलम लयबद्ध दोलक यानी हार्मोनिक असिसलेटर की तरह काम करता है, अतः इसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, पेंडुलम जो है इसमें किसका उपयोग किया जाएगा, आपका राइट होगा दादाजी की घड़ी का, ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। दादाजी की घड़ी का मतलब क्या है वो आप देख लो। पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक असिसलेटर की तरह काम करता है, अतः दादाजी की घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। पेंडुलम सरल आवर्त गति की तरह ही व्यवहार करता है। अगला है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। तो ये हो जाएगा आपका अपकेंद्रीय बल, वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। यांत्रिकी में अपकेंद्रीय बल एक जड़त्वीय बल है जो वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है। अपकेंद्रीय बल के कारण ही जब कार मोड़ लेती है तो बाहर की ओर धक्का लगता है। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया जो है क्या है, तो यह अपकेंद्रीय कारण के यानी अपकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। सी आंसर राइट आंसर हो। देखिए जो अपकेंद्रीय बल, इसमें दो आपका प्रयोग होता है, एक मोड़ पर दाईं की ओर घूमती गाड़ी में बैठा आदमी बाईं की ओर झुक जाता है, एक ये और दूसरा दूध से क्रीम का अलग होना। अगला सवाल है आपके सामने कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें दिशा जो है ये परिवर्तित तो हो जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के परितः एक समान वेग से एक वृत्तीय पथ पर चलती है तो वह एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, और एक वेग एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत होता है जिसका परिमाण सदैव अचर रहता है, परंतु वस्तु के वेग एवं त्वरण की दिशा हमेशा परिवर्तित होती रहती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति आदि। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो वस्तु का द्रव्यमान, संवेग तथा गति अपरिवर्तित रहती है, जबकि दिशा जो है परिवर्तित होती रहती है। अगला देखिए, लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है। तो लट्टू को घुमाना जो है किसका उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए केंद्राभिमुख बल का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्राभिमुख बल का। अगला सवाल देखिए, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से किससे थी। तो इसका राइट आंसर पूरी तरह से यांत्रिकी यानी मैकेनिकल थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यांत्रिकी यानी मैकेनिकल। देखिए एक पुराने मॉडल के लोलक घड़ी यानी पेंडुलम क्लॉक वह है जिसमें समय प्रदर्शित करने वाली प्रणाली का चालन एक लोलक की सहायता से होता था, और यह पूरी तरह मैकेनिकल है। इसका आविष्कार 1656 में क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। अगला आपके सामने कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल। देखिए रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। वृत्तीय पथ पर किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल के कारण पिंड वक्र पथ पर गति करता है।
अगला देखिए, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे? एक वक्र पथ पर अगर गति कर रहा है तो उसे वक्र रेखीय गति कहा जाएगा। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, वक्र रेखीय गति, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। देखिए, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यदि कोई एम द्रव्यमान का पिंड यू चाल से आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल एम यू स्क्वायर बाई आर होता है। आर का मतलब रेडियस। अगला है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है, मतलब क्या बदल जाता है? जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से या फिर एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है, तो प्रत्येक बिंदु पर इसका जो वेग है वो बदल जाएगा। वी आंसर राइट हो जाएगा, प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है। अगला देखिए, यदि एक साधारण लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो यदि एक साधारण लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल कैसा होगा? आवर्तकाल यानी इसका जो मतलब टी है वो भी बढ़ जाएगा, तो ये आंसर राइट हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, आवर्तकाल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टी इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाई जी। तो ये हो जाएगा, एल जो है आपका लोलक की लंबाई, जी जो है गुरुत्वीय त्वरण होता है। अगला है कि दोलक यानी कि ऑसिलेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ग्रीन पेपर में पूछा गया है कि दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, संकेत साइन वेव हो सकते हैं, संकेत स्क्वायर वेव ये भी हो सकते हैं, और संकेत अर्ध स्क्वायर वेव, अर्ध स्क्वायर नहीं हो सकता, ये गलत है। रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलक सिग्नल का उदाहरण ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को समान वृत्तीय गति कहा जाएगा। डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। देखिए, किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से चलती हुई पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है और इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि किसी दोलक द्वारा एक आयाम को पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? किसी दोलक द्वारा एक आयाम को पूरा करने में लिया गया समय उसका आवर्तकाल कहलाता है, तो ऑप्शन वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवर्तकाल। अगला देखिए कि किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये किसको तेजी प्रदान करता है? किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आपका, किसे तेजी प्रदान? अभिकेंद्रीय बल को, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। झूले पर बैठे लड़के की गति जो है कैसी होती है? तो झूले पर बैठे लड़के की गति जो है ये कैसी होगी? एक आवर्ती गति होगी। डी आंसर राइट हो जाएगा, आवर्ती गति। आवर्ती गति देख लीजिए, वह गति होती है जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है, उसे आवर्ती गति कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे घड़ी के सुई की गति, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति और झूले पर बैठे लड़के की गति, ये सब गतियाँ जो हैं आपकी आवर्ती गति के उदाहरण हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, अगला जो चैप्टर है आपका वो है थर्ड चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसके सवालों को कंप्लीट करते हैं, इसके सवालों को समझते हैं और उसके बाद इसको हल करते हैं। देखिए, इसमें आपका तीन टॉपिक है जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है, इसमें आपके तीन टॉपिक दिए गए, वो तीनों कंप्लीट करेंगे। देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? एक बात और ध्यान रखिएगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को जी से डिनोट करते हैं और मात्रक इसका होता है, वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम के पावर -2।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए कैपलर के नियमों में से एक सही है? इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए कैपलर के नियमों में से एक सही है? यह ग्रह का ग्रहपथ दो केंद्र बिंदुओं के बीच एक पर सूर्य के साथ अंडाकार होता है, ये नहीं है। एक ग्रह और सूर्य के जोड़ने वाले के बीच दोनों के बराबर बराबर क्षेत्रफल, ये भी नहीं है। यह एक कक्षीय धुरी, ये भी नहीं है। कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ये बिल्कुल सही है। तो डी आंसर राइट हो जाएगा। जो ऑर्बिटल की अवधि है, उसके समय है, वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो देखिए, ग्रहों की गति के नियम की खोज जो है, ये जॉन्स कैपलर द्वारा किया गया था। तो डी आंसर राइट हो जाएगा आपका, कैपलर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जर्मन खगोलविद जॉन्स कैपलर ने 1609 में अपनी पुस्तक एस्ट्रोनोमिया नोवा प्रकाशित की थी और उन्होंने उसमें ही ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रहों की गति के नियम की खोज या ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन, बात एक ही है। तो वी आंसर जॉन्स कैपलर ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जॉन्स कैपलर ने। अगला सवाल देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है सर आइज़ैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके पहले की जो क्लासेस हुई हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर एक क्लास क्रम के अनुसार मिल जाएगी। तो मेरे भाई, आप जाकर के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लेना। PDF मैं टेलीग्राम पर देता हूँ, वहाँ से आपको इसकी PDF वगैरह मिल जाएगी, ठीक है? तो आइज़ैक न्यूटन राइट होगा। देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के आइज़ैक न्यूटन द्वारा ही दिए गए थे। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम कहता क्या है कि दो कणों या पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन कणों या पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, मतलब ये F इज इक्वल टू G m1 m2 / r², जहाँ पे F जो है गुरुत्वाकर्षण बल है और R जो है आपकी ये दूरी यानी कि रेडियस है और m1 m2 जो है आपके द्रव्यमान है और G जो आपका गुरुत्वाकर्षण सापेक्ष नियतांक का मात्रक है। देखिए, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है। अब आपको ये बताना है उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक, ये बिल्कुल सही। उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक, ये भी सही है। उनके द्रव्यमान के योग के अनुपात, ये नहीं। उनके द्रव्यमान के गुणन के व्युत्क्रमानुपातिक, ये भी नहीं है। तो ए एंड बी दोनों होगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों द्वारा समझाया नहीं गया है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वी आंसर, ग्रह के चारों ओर की सूर्य गति ये समझाई नहीं गई है। तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से एक कमजोर बल है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक कमजोर बल है। तो ये आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अगला देखिए कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान जो है कितना होता है। तो मेरे प्यारे भाई, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और अगर इसके गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात की जाए, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है इसको निकालने का, वो होता है F g m1 m2 / r², यहाँ पे जो मैंने जी अभी बताया, इसमें जी का मान जो रखना है वो रखना है 6.6734 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.6734 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये किस पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो आपका होता है F g m1 m2 / r², ये होता है। जहाँ जी यानी उसके गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी गुरुत्वीय स्थिरांक, इस पर भी निर्भर करेगा। m1 m2 यानी उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल, ये भी निर्भर करेगा। और r² यानी उनके बीच की रेडियस यानी उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करेगा, लेकिन उनके द्रव्यमान के योग का कोई मतलब नहीं होता। तो डी आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस पर निर्भर नहीं करेगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच के बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर दोगुना कर दिया जाएगा तो इनके बीच के बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बल जो है मेरे प्यारे भाई, ये गुरुत्वीय बल क्या हो जाएगा, 4 गुना से कम। तो डी आंसर हो जाएगा, गुरुत्वीय बल के 4 गुना से कम हो जाएगा। डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के
विपरीत अनुपातिक होती है। तो देखिए, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो उनके मध्य की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। ये आपका हो जाएगा सी आंसर, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये भी दोगुना ही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोगुना हो जाता। अगला देखिए, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होता है। तो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमानों के गुणक के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनके द्रव्यमान के गुणन के समानुपाती होता है। अगला देखिए, सवाल कह रहा है कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को तीन गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा? अगर दो वस्तुओं के बीच के द्रव्यमान को तीन गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल जो है ये उस बल का नौगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस बल का नौगुना हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी इसमें गलत कौन सा है ये आपको बताना है, और उसके बाद नीचे दिए गए कूट भाषा से प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। ठीक है, एक मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम वाले दो द्रव्यमानों केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन होगा, ये भी सही है। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दोगुना हो जाता है, तो ये गलत है। तो केवल और केवल डी गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल, अगला देखिए कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये प्रत्येक या फिर हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु उसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक ना हो या फिर ग्रहों जैसा ना हो। अगला देखिए, किसी भी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, किसी भी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, उसे भार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे उसका वेट या फिर उसका भार कहा जाता है। अगला आपके सामने कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज जो है किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जीत की नियतांक की खोज, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज जो है ये हेनरी कैविंडिश द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो। अगला देखिए कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है किस पर लागू होते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौमिक नियम है ये वस्तु के किसी भी युग्म पर लागू होंगे, डी आंसर राइट हो जाएगा, वस्तु के किसी भी युग्म पर। अगला है कि एफ बराबर gmm/d² सूत्र में जी को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं या फिर स्थिरांक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, माना कि गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी के यन के घात से प्रतिलोम बदलता है, तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि जो है किसके समानुपाती होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा r^(n+1/2), राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है वो है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होगा, समझिए, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कम हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझिए, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव जो है कम हो जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके व्युत्क्रमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल यानी फोर्स F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो फिर गुरुत्वाकर्षण बल कैसा हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल अगर आधा किया जाएगा तो जो मतलब उसका द्रव्यमान अगर आधा किया जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो उसका 1/4 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर।
अगला सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये किसके कारण होता है? तो पृथ्वी जो है ये वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है किसके कारण? राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, पृथ्वी वस्तुओं पर अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण जो है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा है कि जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। अब समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, वह बल जो पृथ्वी से बांधता है, ये भी आपका है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है। चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार उत्पन्न होता है वो भी है, लेकिन चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति ये जो है आपका ये नहीं है। ये आपका हो जाएगा डी आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिए, पिंडों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम पृथ्वी से बंधे हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है तथा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र में ज्वार आता है, जबकि चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। अगला सवाल देखिए, यह सवाल आपसे पूछा गया है। यह सवाल देखिए, ये एक बात मैं आपको बता कि जो आपके लंबे सवाल हैं या जिसमें आपका टाइम लगेगा वो मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगला देख लीजिए, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो सवाल बिल्कुल वही है, हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है, वो हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है? तो मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैपिटल जी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैपिटल जी जो है ये निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं होता है? तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य जो है किस पर निर्भर नहीं होता है? देखिए समझिए, अब आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण में जो इसका मतलब द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान और नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान, इन्हीं दोनों में आपका राइट आंसर। देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक है ये निर्भर करेगा, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान एम इस पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी की त्रिज्या आर और पृथ्वी का द्रव्यमान एम इस पर निर्भर करता है, लेकिन इस पर नहीं निर्भर करेगा, तो बी आंसर ही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? अब देखिए, इसमें से कौन सा एक गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, इसका आंसर आपको बताना है। देखिए समझिए, ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना ये भी है, और ये ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है ये नहीं है, तारों को आपस में जोड़े रखता है, और चांद को उसकी कक्षा में स्थित होना ये भी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक ये आपका नहीं है, तो बी आंसर ही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समझ लीजिए, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, और ग्रह के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, तारों को आपस में जोड़ना, चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, ये सब जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है। लेकिन ब्लैक होल जो है घूर्णन के कारण ब्लैक होल घूर्णन के लिए जो है गुरुत्वाकर्षण मतलब जिम्मेदार नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर, ये सवाल है आपका, इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल, मैंने आपको बताया कि मैं अभी जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल हैं वो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसकी एक अलग क्लास लूँगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? इसमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर आपका, गुरुत्वाकर्षण बल जो है कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, गुरुत्वाकर्षण जो एक भौतिक प्रतिक्रिया है। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाप में ही परिवर्तन होता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और जिसमें भी नया पदार्थ बनता है वो आपकी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, और अगर कहीं पर भी कोई परिवर्तन हो जैसे उसके आकार में, रूप में, रंग में, तो आपका जो है वो भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, और ये जो है आपके ये होते हैं रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ में होने वाला ये परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, जो मूल पदार्थ से रासायनिक और भौतिक गुणों के पूर्णतः भिन्न होते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे लोहे का जंग में लगना, दही से
दूध से दही बनना, ये सब आपके जो है रासायनिक परिवर्तन है। और शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, ये सब आपके जो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अगली जो टॉपिक है आपका वो है गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति। तो मेरे प्यारे भाई, ये अपनी अगली टॉपिक है, इसको अभी देखेंगे, ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको सवालों को कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। चलिए,